लेता हूँ पान, अब तुम गाना गा लेना, फिर पान खाए सही यहाँ। बहुत ही छमाछम बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं ना, भीग भीग जा रहे हैं, आधे भीग चुके हम लोग। पूरा पानी ना यहाँ तक आ रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, पूरा इधर की तरफ है। देखो यहाँ पे पूरा शीशों तक पानी आया हुआ है, जितना भी यहाँ पे सामान था ना सारा भीग चुका है। और एक बार मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आप ये जो आपका डिश वॉशर है ये बारिश में भीगता नहीं है, तो कभी कभी भीगता है, लेकिन हमने इसकी इतने अच्छे से प्रोटेक्शन कर रखी है कि कभी पानी अंदर नहीं जाता है। हमने कई लेयर इसके ऊपर जो डिशवॉशर का ही कवर होता है वो रखा हुआ है, बैक साइड में तो पानी जाने का कोई स्कोप ही नहीं है इसके अंदर, और वो पूरे के पूरे कवर होते हैं वाटरप्रूफ वाले, तो वो हम हर 5-6 महीने पे जैसे ही वो थोड़े ख़राब होने लगते हैं हम चेंज कर देते हैं। तो पानी जब भी आया है, गिरा है इसके ऊपर, लेकिन कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है, ना पीछे की तरफ ना आगे जो पैनल है वहाँ की तरफ। और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने, आज है सैटरडे, टाइम बज रहा है अभी 5। ये बच्चा थोड़ा सा अपना फ्रेंड्स के साथ में खेलने में लगा हुआ है, क्योंकि कल इसका फाइनल एग्ज़ाम ओवर हो गया है, एक लास्ट था वो कल ख़त्म, तो इसने मस्ती डे लिया है आज। कीबोर्ड किया है इसने, कीबोर्ड की तो छुट्टी नहीं मिलती है इसको, लेकिन हाँ आज पढ़ाई से छुट्टी मिल गई है कि मम्मा आज मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। तो आज मैंने कहा ठीक है थोड़ा ज़्यादा खेल लो आज। और अभी मैं यहाँ सेलेक्ट करने जा रही हूँ अपने लिए ड्रेस, तो क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ, चलो मैं सेलेक्ट करती हूँ फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। हस्बैंड आज जल्दी आ जाते हैं ना, तो आज हमारा कुछ मेज़र प्लान था कि हमें कुछ लेकर के आना है, लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकले हमने पता किया तो अभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हमने सोचा चलिए जो छोटे मोटे और काम हैं, अदर चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं तो वो निपटा लेते हैं। और अभी हम पता ही कर रहे थे उसके बारे में, तो पता चला कि नहीं अवेलेबल नहीं है, तो जाना फिर नहीं था वहाँ पे, अवेलेबल ही नहीं है चीज़, तो जाके क्या करते। तो इसीलिए यहाँ से डिसाइड किया कि चलिए छोटी छोटी चीज़ें निपटा लेते हैं, जैसे मुझे लेंस लेने थे, मुझे नया चश्मा बनवाना है, तो फिर हम लेंस कार्ट चले गए और यहाँ पे मैं अलग अलग चश्मे ना ट्राई करके देख रही हूँ, कोई भी इनको पसंद नहीं आ रहा। मुझे तो कई पसंद आए बट ये हर चीज़ में मीन मेक निकाल रहे थे, फाइनली एक जाके इन्होंने पसंद किया, तो वो जब अब बन के आएगा तभी, ये वाला वो नहीं है, मुझे ये भी पसंद आ रहा था। और इसके बाद एक चश्मा मैंने पहना था जो आजकल वायर वाले चले हैं ना, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, अभी आप देखना मेरे फेस पे। तो बहुत देर यहाँ स्पेंड किया, फिर हमने एक्चुअल में लेंस मतलब चश्मा और लेंस कहीं और दूसरी जगह से लिए, यहाँ से लिए भी नहीं। ये वाला जो एक फ्रेम है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, आप बताना आपको कैसा लग रहा है। अभी भी अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो मैं जाके दूसरा बनवा लूँगी, बिकॉज मैंने एक ही बनवाया है अभी तक। घूमने फिरने तो हम हमेशा ही निकलते हैं, लेकिन इस टाइप की अगर तेज़ बारिश हो रही हो और ऐसे में आप ऐसे ड्राइव करो, लॉन्ग ड्राइव पे ऑब्वियसली हम लोग नहीं गए थे, अपने एरिया के आसपास ही लोकल ऐसे ही घूम रहे थे, बिकॉज़ काफ़ी सारे काम थे ना, तो बार बार बीच बीच में रुक रुक के बाहर निकल के जा रहे थे, दुकान पे पूछ रहे थे, देन आ रहे थे, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं सच बता रही हूँ। इतनी बारिश में मतलब लगभग 3-3.5-4 घंटे हम लोग बाहर रहे होंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। क्या है, बेहतरीन है, लाजवाब है, यूनिक है, सबसे अलग है, और सबसे अलग दिखोगे भी तुम इन ए गुड सेंस। मुझे चश्मा मेरा मतलब, उतना मन नहीं लग रहा था, इन्होंने अपनी मर्जी से मुझे खरीदा है। कनिंग स्माइल पर मत जाना, चश्मा अच्छा है, गुड है। ना नहीं रहते आप, ये आपका चश्मा एकदम क्लासिक है, ये वाला किसने सेलेक्ट किया है? मैंने सेलेक्ट किया है। तो जिस काम के लिए एक्चुअल में हम लोग निकले थे वो काम के लिए तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन छोटे छोटे और कई काम हम लोग निपटाते हुए अभी लगभग 3-4 घंटे बाद हम घर जा रहे हैं। हम लोग निकले थे घर से कितने बजे? हम लोग निकले थे 6 बजे, 6 बजे लेकिन 9:15 बज गया। इनफैक्ट बारिश होने के बाद जो जाम का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए क्या ही बोलूं। सिद्धार्थ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। एक बात बताओ, पान खाओगी? पान मीठा पान पान खाओगी? मैं भी खाऊंगी। ना बाबा, खा लेता हूँ पान, अब तुम गाना गा लेना, फिर पान खाए सही यहाँ। मलमल
चावल के कपड़े पे छीट लाल लाल और आपने कुर्ता कुर्ता है क्या? अरे मलमल का कपड़ा है ये, कुर्ता मलमल का कुर्ता है। अच्छा मलमल का कुर्ता जो भी है। निकाल निकाल भाई निकाल निकाल और आ भाई निकाल मम्मा उसके बाद मम्मा उसके बाद लो जाम देखो, भारत देश में हर जगह मूर्ख लोग हैं इंक्लूडिंग मी। मैं बुरा मत माना लोगो यार, थोड़ी हड़बड़ी तो सबको रहती है, ऑफिस से आते जाते रहते हैं, मन करता है जल्दी से घर पहुंच जाए, बट अब ऑफिस का टाइम तो नहीं है। ये देखो ये अपने ट्रक निकलवाने के चक्कर में, जरा दिखाओ भाई साहब को, ये अपना ट्रक निकलवाने के चक्कर में कुछ नहीं करने। और डोसा अगर आप खाने की इच्छा जाहिर कर रहे हो तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? बेटा जय करो मंदिर है, जय जय करो, जय जय करो बाबू। जब आपने तो डोसा पैक करवा लो बस। इतनी रात को जाके कुछ कुकिंग तो होना नहीं था, तो फिर हमने यहाँ से डोसा पैक करवाया और यही आज का हमारा डिनर था। घर पहुँचते पहुँचते हमको 10:15 बज गया था। उसके बाद हमने आराम से सीरीज़ देखते देखते, सैटरडे के दिन ना हम थोड़ा रिलैक्स ही रहते हैं, संडे आराम से उठना होता है, क्योंकि वीक में सैटरडे ऐसा दिन होता है जिसमें दिन क्या होता है वो शाम के कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो हम बहुत अच्छा फील करते हैं बिकॉज़ अगले दिन संडे होता है, तो हम आराम से अपनी कोई सीरीज़ या ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं। तो जमतारा रिलीज़ हो गई है तो वो हमने उसके 2 एपिसोड देखे हैं कल, और आप लोग हमेशा पूछते हैं जो भी सीरीज़ देखें उसका नाम ज़रूर बता दें। तो अभी हम क्रिमिनल जस्टिस भी देख रहे हैं बिकॉज़ उसके वीकली एपिसोड आ रहे हैं, एक ही साथ नहीं दिए उन्होंने, तो वो भी चल रहा है अभी। उसके बाद जमतारा आ गया है तो वो भी देखेंगे। इससे पहले हमने शेर दिल देखी है, बहुत अच्छी है, आप भी देखना, मूवी है वो सीरीज़ नहीं है। और हुड़दंग एक मूवी है जो हमने देखी, हमें बहुत अच्छी लगी, तो वो भी आप देखना। वो आई थिंक सीरीज़ है या मूवी है मुझे याद नहीं है, आई थिंक सीरीज़ ही है हुड़दंग, तो वो भी आप देखिएगा। फिर महारानी भी हमारा अभी चल रहा है, बीच बीच में एपिसोड जब मन करता है देखते रहते हैं, महारानी सीज़न 2 जो आया है वो। तो और भी हैं बहुत सारे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी। और दहन, दहन ज़रूर देखिएगा, बहुत तारीफ़ हो रही है उसकी और उसको बहुत अच्छी रेटिंग मिली हुई है, और हमने तो पूरी देख डाली एक ही गो में, लास्ट वीक देखी हमने एक ही गो में, हमने उसको पूरा ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो ऐसी सीरीज़ थी जहाँ आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि 2 एपिसोड आज देखे 2 देखेंगे अगले हफ्ते, ऐसा नहीं था, इतनी अच्छी थी। और अभी जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बोलती गई सीरीज़ के बारे में, तो अभी जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये एक्चुअल में मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, सैटरडे ही मॉर्निंग में बनाई थी, तो ये पहले रेसिपी मैं मॉर्निंग में टिफ़िन के लिए कुक कर चुकी थी। और अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना नो अनियन नो गार्लिक सीरीज़, जिसमें आपको हर दिन नई नई रेसिपीज़, या जब भी मैं वीडियो डालूँगी उस पर नई नई रेसिपीज़ आपको मिलेंगी जो नो अनियन नो गार्लिक होंगी। तो ये जो टाइम है आपका नवरात्रे वाला, इसमें हम गार्लिक अनियन तो यूज़ नहीं करते हैं, तो ये रेसिपीज़ आपकी हेल्प करेंगी। तो आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। ये रेसिपी हम इस तरीके से बनाने वाले हैं कि अगर आप किसी गेट टुगेदर में भी इस रेसिपी को रखते हैं ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है। तो यहाँ पे एक प्यूरे बनाने के लिए हमने तैयारी की है, इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और अदरक के टुकड़े लिए हैं, हरी मिर्च ली है, काजू यहाँ पे 1 मुट्ठी या 12-14 काजू आप ले लीजिए। और वो इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि जो प्याज वाली थिकनेस होती है वो इससे ऐड होगी, और साथ में एक प्याज वाली जो मिठास होती है स्वीटनेस वो भी ऐड होगी। साथ ही इसमें हमने कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, छोटी इलायची डाल रहे हैं, और साथ ही 10 से 12 यहाँ पर हमने डाले हैं काली मिर्च के टुकड़े। और बस इसको आपको उबाल लेना है अच्छी तरीके से, तो पीछे साइड पर वो उबल रहा है पैन में, और यहाँ पर मैं ब्लांच कर रही हूँ हमारी पालक को। तो लगभग 1/2 kg के आसपास ये पालक होगी, तो इसको 2 मिनट तक हम ऐसे बॉईल करके निकाल लेंगे और फिर इसका ठंडा होके प्यूरे बना लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हो गई हैं सॉफ्ट, तो इसको ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देते हैं। और अभी हम यहाँ पे जो पनीर के टुकड़े हैं ना उनको हम थोड़ा सा फ्राई करने वाले हैं, तो तेल ले लिया मैंने स्किलेट में, और बस इनको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर इनका चेंज नहीं करना है आपको, थोड़ा सा बस कलर आ जाए पनीर के ऊपर, बस उतना ही हमको चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल पनीर नहीं बल्कि मैं मलाई पनीर यूज़ कर रही हूँ, और साइड में मैं आपको दिखाना भूल गई एक्चुअल में, तो यहाँ पे मैंने
मैंने एक बड़ा ग्लास पानी ले लिया है, उसके अंदर मैंने एक छोटा चम्मच चीनी डाला था और थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। नमक तो अभी डाला है बट चीनी मैंने पहले डाल दी थी तो वो डिज़ोल्व हो गई है। तो लूक फॉर्म आपको वाटर करना है और डायरेक्ट आपको ये गरम गरम जो पनीर है उस पानी में डाल देना है। तो थोड़ा सा नमक पन इसके अंदर ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा मिठास भी चीनी की ऐड होगी और ये जो पानी है लास्ट में हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपनी रेसिपी में। और आपके जो पनीर हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी टाइप के होंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे खाने में, बाइट बहुत अच्छा आएगा उनका। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक अपनी कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऑयल ले लिया है और जो शाह जीरा होता है शाही जीरा उसका मैंने छौंका दिया है। साथ ही मैंने इसमें डाली है लगभग 1/4 टीस्पून हींग और मसाले जो हैं हम डायरेक्ट तेल में डालने वाले हैं तो एकदम धीमा गैस करके आपको सारे मसाले मिलाने हैं। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर और मिक्स मसाला सब्ज़ी मसाला जो होता है वो मिला दीजिए। इसकी जगह आप गर्म मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने प्याज, काजू और सारे खड़े मसालों की भी मतलब प्यूरे बनाया था वो प्यूरे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बस इसको हमें ढक देना है और ढक करके अच्छी तरीके से इसको उबाल लेना है। ये थोड़ी और पकी पकी हो जाए, वैसे ये सारी चीज़ें तो पक गई हैं बट फिर भी थोड़ा सा एक बॉईल दे दीजिए। उसके बाद जो हमने पालक बनाया था उसका प्यूरे हम इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर, नमक वगैरह जो भी होगा वो भी ऐड कर देंगे जो भी हमें कम लग रहा है। और जो हमने पानी रखा था ना पनीर वाला वो पानी भी हम इसके अंदर ऐड कर देने वाले हैं। अभी इसी स्टेज पे पनीर नहीं डालेंगे, पानी पानी जो है वो ऐड कर देंगे। एक तो ये मलाई पनीर है और दूसरा ये जो प्रोसेस हम करते हैं इसकी वजह से आपने उसको हल्का फ्राई भी किया है उसके बाद भी इतना स्पंजी और इतना स्वीट और अच्छा सा ये पनीर लगता है खाने में पालक के साथ जब ग्रेवी में मिक्स हो जाता है। तो ये स्टेप आप ज़रूर करें इस टाइप से पालक पनीर बना रहे हैं तो। बस ये हमने यहाँ पे कर लिया है पालक को अच्छे से बॉईल और उसके बाद ऐड कर देंगे हम ये बड़े बड़े पनीर के टुकड़े और इसके साथ भी इसको अच्छे से कर लेंगे बॉईल लगभग 2 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं करना है अदरवाइज़ पनीर ख़राब हो सकता है। तो बस 2 मिनट एक बॉईल लगा के ये हमारा पालक पनीर हो जाएगा रेडी। एक फ़ाइनल टच जो मैं पालक पनीर में हमेशा देती हूँ आपको याद होगा वो है ये तड़का। तो जब हम अनियन और गार्लिक यूज़ करते हैं तो ये एक्चुअल में गार्लिक का तड़का लगता है जिसमें हींग डाला जाता है, लाल मिर्च डाला जाता है और गार्लिक डालते हैं घी के अंदर, लेकिन हम गार्लिक यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ मैंने घी में हींग डाला है और मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा लाल मिर्च और बस आप प्लेटिंग कर दीजिए इस तरीके से पनीर डाल करके। ऊपर से हम ऐड करेंगे हमारी बढ़िया सी ग्रेवी और थोड़ा सा मैं गार्निश करने वाली हूँ इसको क्रीम से ऊपर से और जो हमने तड़का बनाया है उससे गार्निश कर देंगे। ये एक ऐसा पालक पनीर रेसिपी है जो आप, अगर मैं कह रही हूँ ना गेस्ट भी, उनके लिए भी आप बनाओगे ना तो भी वो समझ नहीं पाएंगे कि इसके अंदर आपने प्याज या लहसुन यूज़ किया है नहीं, क्योंकि इतनी टेस्टी बनती है और कोई कमी प्याज लहसुन की नहीं खलती है। तो अभी मैं आपके लिए ऐसी ही रेसिपीज लेकर आने वाली हूँ जो आराम से आप पूरे ये 9 दिन नवरात्रों में बना सकते हैं। मैं आपसे भी रिकमेंडेशन ज़रूर चाहूँगी कि कोई ऐसी रेसिपी आपके दिमाग में हो जिसका आप नो गार्लिक नो अनियन वर्जन देखना चाहते हो तो वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर शेयर करें सो दैट उसका नो गार्लिक नो अनियन वर्जन मैं आपको बना के आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।